हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर मेरा नाम रमन है। जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। बस डॉक्टर मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी और सजेशन भी चाहिए था आपसे। जी बोलिए। एक्चुअली मैं डॉक्टर मेरी 3 महीने बाद शादी है ओके, और मैं अभी बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ। वो कैसे? मतलब अभी माइंड में डिप्रेशन है, एक तरह से चिड़चिड़ापन है, तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ ताकि इसमें मुझे हेल्प मिले थोड़ी सी। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न डॉक्टर ये है कि पिछले 6-7 महीने से मैं अपने से कम 7 या 8 साल बड़ी एक औरत के साथ अफेयर में, और पता नहीं उसके साथ एक अजीब सा अट्रैक्शन है। मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर, कोशिश बहुत की है मैंने, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। देखिए, जैसा आपने बताया है कि आपकी मैरिड होने वाली है, जी और अभी इस समय में आप उस औरत को छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर, कोशिश तो मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पता नहीं क्या अजीब सा एक अट्रैक्शन है, वो अजीब सा प्यार, तो डॉक्टर पॉसिबल नहीं हो पा रहा। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, जी बिल्कुल। और अगर वो औरत आपसे उम्र में बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि उसको आपसे तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, जी डॉक्टर, और वो अच्छे से जानती है कि उसको आपको कैसे बहलाना है, कैसे रिझाना है, क्या उसको करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर एक चीज़ और बताइए, मेरे माइंड में बहुत पहले से ये भी था कि क्या अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ सेक्स करना ठीक होता है या नहीं। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी बट ये है कि वो आपसे बड़ी है, ठीक है, सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे इतनी नॉलेज है कि जब आप उससे सेक्सुअल होंगे उसके बाद आप उसको छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो डिज़ायर एक तरह से वो दे पाती है, तो अब मन ये भी करता है डॉक्टर कि हो सकता है जो मेरी वाइफ, इन फ्यूचर वाइफ है, वो उस तरह का डिज़ायर मुझे ना दे पाए, तो एक मन में अजीब सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि एक तरफ वाइफ को रखूँ, दूसरी तरफ अगर वहाँ से वो डिज़ायर नहीं मिल पाता तो वहाँ से उसको कंप्लीट करता रहूँ। देखिए, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट, जिस लेडी की आप अभी बात कर रहे हो जो आपसे उम्र में बड़ी है, हम कह सकते हैं कि उसे हर चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। आप किस में खुश होते हो, क्या आपको चाहिए, किस चीज़ से आप खुश हो, वो आपको हर चीज़ से खुश रखेगी। और दूसरी बात हम उस लड़के की करते हैं जिससे आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है उससे, अब नई नई शादी है, जी ठीक है, वो भी उस माहौल में इतनी खुली हुई नहीं होती है, बिल्कुल। और जो पहले वाली लेडीज़ की आपने बात की है वो हर माहौल से निकल चुकी है, बिल्कुल उसको हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात, जो लड़की है जिससे आपकी शादी होने वाली है वो आएगी नए माहौल में, ठीक है, उसको ना ही उतनी नॉलेज है कि आपको कैसे खुश रखना है, क्या करना है, और दूसरी बात कि वो अपने दिल की बात आपको खुल के नहीं बोल सकती है, हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो डॉक्टर बोल ही नहीं सकती नहीं वो। बोल सकती है, और इसी वजह से आज हमारे समाज की लड़कियां पीछे हैं, मार खा रही हैं, और जो उम्र दराज लड़के हैं, औरतें हैं, वो इसीलिए आगे निकली हुई हैं और इसीलिए उनको वो चांस नहीं छोड़ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन डॉक्टर अगर मैं नहीं छोड़ पाया तो मेरी तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना इन फ्यूचर में। बिल्कुल हो जाएगी, कल को इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी जिसको आप सॉल्व करते करते डिप्रेशन में भी जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता हूँ डॉक्टर, इसीलिए तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास आया हूँ तो मैं तो यही कि आप कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे कि मैं उसको अवॉइड कर सकूँ।
या डॉक्टर ये ठीक रहेगा कि जब 3 महीने बाद मेरी शादी होगी तो मैं अपनी वाइफ से कंसल्ट करूं या उस बात पे डिस्कस करूं? देखिए, आप उनसे कुछ भी डिस्कस करोगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये डिसीज़न आपका है, उससे उसके साथ रहने का डिसीज़न आपका था, उससे अलग होने का डिसीज़न आपका है, और बेटर है कि आप उससे अलग हो जाओगे तो उसमें आप दोनों की लाइफ अच्छे से बीतेगी। और जहाँ तक आप मेरा मानना कि जैसे आप बोल रहे हो कि आप उससे डिस्कस करके तब उसको छोड़ोगे, तो उससे गृहस्थी और ग्रस्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, छिन भिन हो जाएगी, क्योंकि वो भी ये सोचेगी कि जब मेरे हस्बैंड के अफेयर मेरी शादी से पहले ही किसी और के साथ थे, मान आपका दिल साफ है, आपने उनको बोला उसको छोड़ने के लिए, हालांकि आपने उनको बोला, लेकिन फिर भी वो तो यही सोचेगी ना कि कल वो ऐसे थे तो आज कैसे होंगे, कल क्या हो सकता है। हाँ, इट मीन्स डॉक्टर के इन फ्यूचर के लिए उनके मन में शक पैदा हो जाएगा, हमेशा के लिए, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए उनसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद फिर वो छोटी छोटी बातें, मेरा फोन पिक ना हाँ जी करना, मेरा देर रात तक घर से बाहर रहना, उस चीज़ पे भी फिर वो खिचखिचबाजी जी, होगी। इसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी, जिनको आप सॉल्व करते करते प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप पहले ही सॉल्व कीजिए, अपनी शादी से पहले उसको अपनी लाइफ से थोड़ा साइड ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। बट डॉक्टर, हर इंसान चाहता है कि उसे पूरा का पूरा वैवाहिक सुख मिले, और अभी तक फिलहाल शादी 3 महीने बाद है, लेकिन मैं वैवाहिक सुख एक तरह से अभी लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और रही बात उस औरत की, तो उसे मैंने अभी तक बताया नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि जो सुख आज आपको उस औरत से मिल रहा है, मुझे आगे भी मिलता रहे, एक ये भी मेरी इच्छा है, और एक दूसरी मेरी इच्छा ये है कि वो सुख मुझे अपनी वाइफ से मिले। देखिए, उसके लिए क्या होता है कि जो सुख आप अपने लिए चाहते हो जी कि मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, तो वो दोनों के बीच में बातें करके ही उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है, अपने से नहीं बड़ी नहीं उम्र नहीं की औरत नहीं के साथ बात करके ना नहीं डॉक्टर? नहीं उसको तो आप साइड करना चाहते हो ना, ताकि आपकी लाइफ सेटल रहे। जी, मैं आपकी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ अपनी वाइफ से बात करूं उस बारे जी, में? जब आपकी शादी हो जाए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करोगे, और ऐसा तो नहीं कि उनको जो पसंद है वो आप नहीं चाहोगे, आपको जो पसंद है वो नहीं चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को तो समझोगे, उसी से चलती हैप्पी मैरिज लाइफ। डॉक्टर, अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन पैदा ही ना हुई तो? तो और भी अच्छी बात है। नहीं डॉक्टर, अच्छी बात कहाँ होगी फिर? फिर तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी ना। नहीं तो क्यों नहीं होगी, ये बताइए ना आप। नहीं, अगर मैं उसको समझ सकता हूँ लेकिन वो मुझे ना समझे तो? होता है ऐसा, लेकिन कम से कम आप अपने दिल की बात तो रखोगे ना, आप क्या चाहते हो। आज नहीं कल को तो समझ में आएगा उसको, आज नहीं समझेगी कल तो समझेगी, जब उसको भी प्रॉब्लम होगी, जब आप खुश नहीं रहोगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन डॉक्टर, इसमें एक कंडीशन और पैदा हो रही है। वो जो मुझसे बड़ी औरत है जिससे मैं अफेयर में हूँ अभी फिलहाल, वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। एक बात बताइए, उस लेडीज के बच्चे भी होंगे, बिल्कुल है मैम। तो एक बात बताइए, आज वो अपने हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आपके साथ आई है, हाँ, कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आपको क्या लगता है कि वो आपको चुनेगी या अपनी फैमिली को? वो एक सेकंड में आपको छोड़ के अपनी फैमिली के पास जाएगी। और आप एक बात बताइए, आप ऐसी औरत के लिए अपनी होने वाली वाइफ को, जो हो सकता है नेचर वाइज हर तरह से इतनी अच्छी हो, और आप ऐसी औरत के लिए उसको छोड़ रहे हो? आप बिल्कुल सही कह रही हो मैम।
शायद मैं ही भटक गया था, लेकिन डॉक्टर अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 महीने बाद मेरी शादी एक अच्छे तरीके से हो, खुशी खुशी हो, और मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो। बेस्ट ऑफ लक, मैं भी यही चाहती थी। थैंक यू वेरी मच मैडम, मेरी बहुत बड़ी मुसीबत आपने सॉल्व करने का तरीका मुझे दे दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।